अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एफएसआईटी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक, पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। आरएनबी गेस्ट हाउस के अहाते की अराजी में बानी महबूब नगर निज़ाम शशुम नवाब मीर महबूब अली खान बहादुर की याद में हॉल व मीनार की तामीर के लिए मंजूर किए गए अराजी में मीर महबूब अली फाउंडेशन सदर अब्दुलरहीम की निगरानी में 78वीं योम आज़ादी मनाई गई, जबकि इसकी परचम कुशाई ज़िले सदर मजलिस अब्दुल हादी एडवोकेट के हाथों अमल में आई। मेहमान खसूसी की हैसियत से NP वेंकटेश एडवोकेट कांग्रेस सीनियर कायद ने शिरकत की। इस तकरीब में दीगर मेहमानान जाबिर बिन सईद अल जाबरी कोआर्डिनेटर व इंचार्ज मजलिस मुत्तहदा ज़िले महबूब नगर, मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी ज़िले मजलिस, सैयद सादतुल्ला हुसैनी मजलिसी फ्लोर लीडर व सदर टाउन मजलिस, मोहम्मद हनीफ मीर शोएब अली खलील अब्दुलरहमान बिल्डर, मोहम्मद जाहिद बाबर शेख अब्दुलरहमान रीगल, समद खान मोहसिन खान माजिद खान अहमद अली सना सदर जामे मस्जिद, नजीब अहमद महबूब कौंसलर वहीद सना, सज्जू पहलवान फारूक अली ख्वाजा मोइनुद्दीन एडवोकेट के अलावा दीगर सियासी समाजी व मिली कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर निज़ाम शशुम नवाब मीर महबूब अली खान बहादुर की याद में हॉल व मीनार की तामीर के लिए बल्दिया में 20 लाख रुपये की मंजूरी दिलवाने पर NP वेंकटेश एडवोकेट की जानिब से सैयद सादतुल्ला हुसैनी मजलिसी फ्लोर लीडर व सदर टाउन मजलिस की शॉलपोशी की गई। इस मौके पर NP वेंकटेश एडवोकेट ने कहा कि मीर महबूब अली खान के नाम पर महबूब नगर कायम हुआ है और उनकी जानिब से तामीर किए गए तारीखी तारुमदाद महबूब नगर में मौजूद है। उनकी याद में हॉल व मीनार की तामीर के लिए मंजूरी देने पर उन्होंने खुशी का इजहार किया और कहा कि यह काम सबके ताउन से मुकम्मल किया जाएगा। NP वेंकटेश एडवोकेट ने मीर महबूब अली फाउंडेशन सदर अब्दुलरहीम की खिदमात की भी सिताइश की। 78వ స్వతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరగడం చాలా సంతోషకరం. మన మహబూబ్ నగర్ పేరే మీర్ మహబూబ్ అలీ పాలించిన తర్వాత మహబూబ్ నగర్కు మహబూబ్ నగర్ అని వచ్చింది. కాబట్టి అతని ఆశయాలను అతడు ఇక్కడ డెవలప్ చేసిన విధానాన్ని చూసి మనము అతన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన సందర్భం వచ్చింది. కాబట్టి మనం తప్పకుండా అతని ఆశయాలను అతడు అభివృద్ధి చేసినాడు కాబట్టి అతని పేరు పైన ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఫండ్ ఇచ్చిందో ఆ ఫండ్ ఆధ్వర్యం లోపల ఇక్కడ మంచి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి కొరకు, అదేవిధంగా మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఇక్కడ కార్యక్రమము కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి కొరకు 20,000 రూపాయలు శాంక్షన్, 20 లక్షలు కౌన్సిలర్ గారి ఆధ్వర్యంలో, MIM కౌన్సిలర్ గారి ఆధ్వర్యం, సాదత్ గారి ఆధ్వర్యం లోపల ఇప్పించినందుకు చైర్మన్ గారికి, అదేవిధంగా కౌన్సిలర్ బృందానికి, ప్రభుత్వానికి మా తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్లో ఉన్న పెద్దలు మొత్తము పెద్ద మనుషులంతా ఈ ఫౌండేషన్ స్టోన్లో మెంబర్స్గా ఉన్నాం మేము కూడా. కాబట్టి మేమందరము రహీం గారి ఆధ్వర్యం లోపల ఇక్కడ ముందు కూడా అభివృద్ధి చేసే విధంగా తోడ్పడతామని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. 78వ ఆజాదీకి మౌఖ పర్ నవాబ్ మీర్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్ శశుమ్ కే నామ్ సే అలాట్ కర్దా సర్కారీ జమీన్ జహాం మల్లి సదాదుల్ హుసేన్ కి ఫుల్ లీడర్ సాదతుల్లా హుసేనీ కి నుమాయిందే పర్ 20 లాఖ్ రూపాయ मंजूर हुए हैं. वहाँ कौमी परचम लहराया गया. इस महफिल में ख़ास तौर से NP गेटेश साहब जो सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस के सीनियर कायद हैं उनकी रहनुमाई रहबर भी रहीम साहब फंडर को हासिल है. हम सभी रहीम साहब के साथ हैं और एक सेकुलर कैरेक्टर के साथ महबूब नगर में महबूब अली बादशाह की यादगार को कायम करने जा रहे हैं. इस सिलसिले में जितने लोग 15 साल से सही करते आ रहे हैं, रहीम साहब के साथ दे रहे हैं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. इंशाल्लाह हमारी मंजिल करीब है. हम यहाँ हाल और यादगार बना के रहेंगे और यकीनन महबूब अली बादशाह को याद करना वक्ती ज़रूरत है. वैसे भी आज़ादी की तहरीक में जितने मुस्लिम बादशाह थे तमाम बादशाहों का आज भुला दिया गया है, उनको बुनियाद का पत्थर बना दिया गया है. जो लोग आज़ादी का फल खा रहे हैं वही आज मुल्क में रहनुमा बने हुए हैं और जो लोग आज़ादी में शामिल नहीं थे वो लोग आज मुल्क के हुकुमरा बने हुए हैं. ऐसे में हमको अपने अपने यादगारों को बाकी रखना, अपने बुज़ुर्गों को याद करना और उनकी तारीख से हमारे बच्चों को वाकिफ़ कराना ज़रूरी है ताकि निसाबी किताबों के बजाय हकीकी निसाब को पढ़े और तारीख मुल्क की तारीख को जाने और मुजाहिदीन आज़ादी की सही स्पिरिट से उनके कुर्बान को खिराज तहसीन पेश करें. आज 78वां यूम आज़ादी, हिंदुस्तान आज़ाद होकर 78 साल हो चुके हैं. उसी सिलसिले में हमारी बानी महबूब नगर निज़ाम शशम नवाब मीर महबूब अली ख़ान बहादुर फाउंडेशन की जानिब से और महबूब नगर के सियासी समाजी दानिशर लोग आज सब एक जगह जमा होकर ये गंगा जमुना तहजीब का दूसरा नाम हमारा महबूब नगर है. उस महबूब नगर में आज हम सब मिलकर आज हिंदुस्तान का झंडा चढ़ाए हैं और उसी सिलसिले में जो मैं एक
14 साल से इसकी कोशिश में था, सैंक्शन हो गया, उसमें दो मरतबा आठ लाख रुपये आके भी गए। आज हम यमआईएम के फ्लोर लीडर सादतुल्ला हुसैनी साहब का, मैं मोहम्मद अब्दुल हादी साहब का, और मैं हमेशा तेलंगाना मूवमेंट में हो, इस सोसाइटी के वास्ते भी हो, हमारे एमपी वेंकटेश साहब जो सेकुलर लीडर हैं, जो मेरे महल्ले के हैं, मेरे से सीनियर हैं, उन्होंने हमेशा साथ दिए हैं, और उसमें मेरे और भी बहुत से मेरे जाबिर साहब हैं, जाकिर साहब हैं, और अवज़ भाई का भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसमें क्या है, हमारे साथ जो सोसाइटी में हैं, जो खलील साहब, हनीफ साहब, और हमारे रहमान साहब, जो रीगल रहमान साहब, समद खान साहब, और मेरे हमारे शोएब साहब, ये लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कौसर है मेरे साथ, जायद है, और भी बहुत से लोग हैं, रहमान बिल्डर रहमान, जो बिल्डर रहमान का भी हमेशा उनका बहुत बड़ा ताउन रहा, आधी रात को बाबर शेख साहब का रहा, मैं सबका नाम से मैं सबका, महबूब साहब का, मैं हमारे महल्ले के मेरा छोटा भाई सज्जू पहलवान सज्जू साहब, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी जिस वक्त काम में मैं कुछ ना डिस्टर्ब हुआ तो मेरे साथ खांधे से खांधे के मिला के ठहरे, और वो बात मैं जाबिर साहब को, हादी साहब को भी मैं बताया, बहुत इसमें मैं कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ मेरे कुछ। और एक एक बात क्या, VHP के लक्ष्मण रेड्डी साहब, हमारे चर्च के फादर वरा प्रसाद साहब, हमारे दरगे के रजाक सज्जाद साहब, रजाक साहब, हमारे अमीनुद्दीन साहब, और हम जो सदर खान, मैं ये होता मैं हर सबका नाम लेते हुए, जो आज महबूब नगर के इसमें सरजमीन पे एक मिसाल कायम करे हैं, ये मिसाल को, ये महबूब नगर के काम को दूसरे डिस्ट्रिक्टों में देखकर सीखना चाहिए। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ये काम क्या है, ये कोई खा के ये करके बैठने का नहीं, बच्चों को कुछ ना कुछ तरक्की के राह पे ले जाने का। मैं जाबिर साहब लोगों से, जाकिर साहब लोगों से, सबसे मैं समद खान साहब से भी ये मैं उनसे मशवरा लेके आगे बढ़ेंगे बोल के था। मगर मैं फिर एक मरतबा बोल रहा हूँ, आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।